गाइस, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए वीडियो के आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के लिए आपको अपने फेसबुक को सिंपली ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद टॉप पे 3 लाइंस पर क्लिक करना है। एंड आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पर टिक कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप अपना फेसबुक अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहते हैं, एक रीजन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर आई हैव अ प्राइवेसी कंसर्न वाला रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। एंड यहाँ पे आपको डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे सिंपली आपको अपना पासवर्ड इंटर कर लेना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है परमानेंटली डिलीट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस अकाउंट को रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 डेज़ के अंदर आप जो है अपने इस फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर दोबारा आप अपने इस फेसबुक अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाएंगे।